हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं एमडीयू एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 जुलाई से एमडीयू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हम एग्जाम जानते हैं कि अब की बार जो सेमेस्टर है वो छोटा था, जिसके कारण छात्र संगठन ने पिछले हफ्ते से मांग कर रहे थे कि NE5 का ऑप्शन मिलना चाहिए और आज रजिस्ट्रार ने NE4 का मतलब ऑप्शन दिया है। इस NE4 का मतलब क्या होता है इस वीडियो में, इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको पूरे डेमो के साथ पूरा पेपर में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार NE4 का अटैम्प्ट करना है, किस प्रकार क्या है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूं जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि इसमें मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सेकेंड। हमें इनमें से मतलब कोई भी एक करना होता है, चाहे फर्स्ट करो चाहे सेकेंड कर लो, कि एक यूनिट में से हमें एक करना होता है। तो अब की अब क्या करना, हम दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ये हमें दोनों के नंबर मिलेंगे, हमें मतलब NE4 करना है जो भी, मतलब विदाउट कंपलसरी को छोड़कर। जैसे 2 क्वेश्चन थर्ड फोर्थ हम दोनों कर सकते हैं, हम दोनों के नंबर मिलेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन हुए थे, 2 क्वेश्चन ये हमारे 4 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुके हैं हमारा। आधा पेपर मतलब हमें एक पेपर रहता हो जो है कंपलसरी क्वेश्चन। जैसे मैं दिखाता हूँ कंपलसरी क्वेश्चन, जैसे ये होता है हमारा, जैसे इसमें तो हमें ये कंपलसरी करना अति आवश्यक है। आपको कंपलसरी ये कंपलसरी होता है, जैसे ये कंपलसरी आपको ये करना है और आप बाकी 4 में से कोई भी 4 कर सकते हैं, उसमें से कोई भी यूनिट में से कोई भी 4 कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपलसरी करना ज़रूरी है तभी आपके 5 क्वेश्चन पूरे होंगे। और अगर जिसको कंपलसरी क्वेश्चन ये आता है उनको NE5 कोई भी करने हैं। इस प्रकार ये अपडेट है। जैसे मैं आपको उसका रजिस्ट्रार का आपको दिखाता हूँ, रजिस्ट्रार ने क्या कहा है। ले लिया गया है कि जहाँ कंपलसरी क्वेश्चन होता है वहाँ कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा NE4 क्वेश्चन, और जहाँ कंपलसरी नहीं होता वहाँ NE5।